ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में लगातार हो रही बारिश और जिला प्रशासन की अनदेखी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुमारहट्टी की त्रासदी के बाद अब सोलन के हाउसिंग बोर्ड में 3 मंजिला एक भवन गिरने के कगार पर है। भवन के नीचे से डंगा खिसक चुका है। अगर बारिश लगातार आती है तो भवन गिरने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। सोलन में लगातार हो रही बारिश और जिला प्रशासन की अनदेखी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुमारहट्टी की त्रासदी के बाद अब सोलन के हाउसिंग बोर्ड में 3 मंजिला एक भवन गिरने के कगार पर है। भवन के नीचे का डंगा खिसक चुका है। अगर बारिश लगातार आती है तो भवन गिरने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि भवन की नींव हिल चुकी है और भवन के ऊपर मोबाइल टावर भी स्थापित है, जिसकी वजह से भवन पर भार और भी ज्यादा हो गया है। अगर ये भवन गिरता है तो आसपास के भवनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके चलते तहसीलदार सोलन के आदेश पर भवनों को खाली करवा दिया गया है और भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया है। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे कई बार नगर परिषद को इस डंगे के बारे में शिकायत कर चुके हैं। पहले ये थोड़ा गिरा था, लेकिन आज वे पूरा गिर चुका है, जिसकी वजह से इस भवन को तो खतरा है ही, लेकिन इसके साथ लगते भवन भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं कि जो भवन गिरने के कगार पर है वे नियमों को ताक पर रख कर बनाया गया है और इस पर टावर भी खड़ा कर दिया है। और जो ये बिल्डिंग है, इसकी हमने कई बार कंप्लेन म्यूनसिपैलिटी में करी, ईओ साहब के पर्सनली भी करी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस बिल्डिंग में जो सीवर लाइन्स तक हैं वो खुले में डाली गई हैं, जिसके कारण आज ये डंगा पूरी तरह से नीचे आ गया और इसके कारण यहाँ के आसपास से जुड़े 5 घरों को खतरा हो गया है। लेकिन म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ना पहले कभी कोई एक्शन हुआ, ना आज ही उनका कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे खड़ा है। हमारे को अब रात के लिए हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। हमें हमारे घरों को लॉक कर दिया गया है, सबको, जितने भी नेबर्स हैं, हमें वकेट करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए हैं पुलिस ने। लेकिन अब हम कहाँ पर जाएँ, क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? म्यूनसिपैलिटी वाले तो अपनी तरफ से कभी भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। इस पे जो कंस्ट्रक्शन भी हुई हुई है ऊपर पे, अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है पूरी तरह से, और बाकी की भी जो कंस्ट्रक्शन नीचे भी हुई है वो एज़ पर प्लान नहीं है। जो अप्रूव प्लान है उसके मुताबिक इसमें एक भी कमरा नहीं बना हुआ है। और उसके अलावा इसके ऊपर एक ये मोबाइल टावर है जिसका काफ़ी हैवी वेट है। इसके खिलाफ भी यहाँ पर हमने पर्सनली भी कंप्लेंट दी। उसके अलावा यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कंप्लेंट डाली, लेकिन म्यूनसिपलिटी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना ही वो टावर रिमूव कराया गया, और इससे हम सबको और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। मैं दीक्षांत, मेरा मकान हाउस नंबर 23 फेज़ 1 हाउसिंग बोर्ड में है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो नेबरिंग घर है उनका RCC डंगा पूरा गिर चुका है, जिस वजह से हमारे घर को भी बहुत रिस्क हो चुका है। हम ऐसा है कि हमारा जो कॉमन वॉल है उस पर पूरा मकान बनाया गया है, जिसकी हमने कंप्लेंट ऑलरेडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में की है, पर उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम इस वजह से हमारे मकान को और हमारे जो भी टेनेंट्स हैं उनको बहुत रिस्क है, और हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। प्लस हमारे हाउसिंग बोर्ड में जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल चीज़ लगाई गई है, जिसको हम देख सकते हैं कि वो टावर है। इस चीज़ के लिए हमने कंप्लेंट भी की है, पर इसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर ये मकान गिरता है तो इस वजह से टावर भी गिरेगा, और जिस वजह से हमारे मकान को भी बहुत रिस्क हो सकता है। इसका इन्फ्लुएंस हमारे लिए बहुत डिज़ास्टर हो सकता है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज़ 1 में मकान नंबर 22 का डंगा लगभग गिर चुका है और मकान भी पूरी तरह गिरने के कगार पर है। इस मकान के साथ साथ जो इसके सराउंडिंग में मकान है, कम से कम 7-8, उनको भी खतरा है। तो प्रशासन से गुजारिश है कि मकान मालिक को बुला करके इनको निर्देश दें कि ये अपनी रिटेनिंग वॉल जल्द से जल्दी रिटेन करें। धन्यवाद। अभी कुछ ही देर पहले 5-1 बजे मुझे फ़ोन पर सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड फेज़ 1 में मकान नंबर 22 के नीचे लगा हुआ डंगा बारिश होने कारण खिसक गया है। इसमें पहले भी डंगा दरारें आई थी, पहले भी एक बार डंगा रिटेन कर चुके हैं, अभी दूसरी बार ये गिरा है 2 सालों में। और सीवरेज की व्यवस्था भी इस मकान के अंदर, सीवरेज भी लीकेज था डंगा गिरने का, वो भी मेन कारण है। परंतु मेन ये है कि अभी तक जानो माल की तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, परंतु हमने प्रशासन यहाँ पे मौके पर पहुँच गया और प्रशासन से ही मांग की है कि जब तक मकान मालिक यहाँ नहीं पहुँचते हैं, कम यहाँ तिरपाल वगैरह लगा करके और मकानों को खाली करा करके, ताकि लोगों को कोई नुकसान ना हो, अगर कोई और बड़ा हादसा होने का हमें आशंका है, तो हम प्रशासन से यही मांग की है। और प्रशासन मौके पर है भी, और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको तिरपाले लगवा करके इसको रिटेन किया जाए। इस बारे में तहसीलदार हरवंश नेगी ने कहा कि
भवन को असुरक्षित घोषित कर इसे खाली करने के आदेश दे दिए हैं ताकि किसी भी तरह से जानी नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर वे बेहद सजग हैं। घर में रह रहे जो भी हैं, किराएदार हैं चाहे मकान मालिक, सबको अग्रे कर दिया कि सबको हटवा दिया। और सेकेंडली सराउंड के दोनों तीनों बिल्डिंग्स हैं, इनको भी सबको कंटेनेंट्स और मकान मालिक सबको कहा गया कि खाली कर दे। और सेकेंडली जहाँ तक बात है एमसी की बात है, जहाँ अब तो इन्होंने एलिगेशन लिखा है, पर मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कभी यहाँ विजिट भी नहीं की, मैंने देखा नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं। अब देखता हूँ अगर इनकेस मैंने अपने अपने जेज को बुलाया है, क्या इस तरह की कोई कंप्लेंट हुई तो मैं देखेंगे इसके लिए। तो अब वैसे इसके लिए आप क्या वो कर रहे हैं? अभी मैंने हम सबने उनको खाली करवा दिया है, देखते हैं इसके बाद इसको तरपाल पर हम प्रशासन की तरफ से तरपाल देंगे, जो भी तो कि हम अपनी तरफ से करेंगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटीडी के साथ। नमस्कार।